सरकार की चाहे कोई भी योजना हो या भर्ती परीक्षा और उसमें ये तीन जिले सुर्खियों में नहीं रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तमाम भर्ती परीक्षाओं में बाड़मेर, जालौर और सांचौर जो है वो सुर्खियों में रहा है। और यदि तमाम सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें घोटाले की बात करें तो उसमें भी बाड़मेर, जालौर और सांचौर जो है वो अव्वल नंबर पर रहा है। अब यहाँ पर सरकार द्वारा जिस पहचान पत्र को अहमियत दी जाती है वो पहचान पत्र भी जो है फर्जी तरीके से बन रहा है। लेकिन फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले उस व्यक्ति से ये डिमांड जरूर करते हैं कि आप चाहे कितने भी उस फर्जी पहचान पत्र से घोटाले कर लीजिए, चाहे कितने भी लोन उठा लीजिए, लेकिन उस पहचान पत्र के जरिए आप तस्करी का काम ना कीजिए। बता दूं कि आज एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि बाड़मेर, जालौर और सांचौर में जो आधार कार्ड बनाते हैं वहाँ सब सेंटरों पर, वहाँ पर 25,000 रुपये लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। फर्जी आधार कार्ड किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं ये जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए उन्होंने GST चोरी भी की है, उन्होंने बैंकों से लोन लिया है और वो लोन वापस भी नहीं भरा है और बैंक उन तक अब तक नहीं पहुंच पाई। बैंक पहुंचे तो भी कैसे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट किए गए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट फर्जी है। अब वो आधार कार्ड फर्जी कैसे बनाते हैं ये जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हालांकि अपन आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो वहाँ पर अपने हाथों के निशान, जो फिंगरप्रिंट कहा जाता है, वो लिए जाते हैं, आँखों की कठपुतलियाँ जो है उसके निशान लिए जाते हैं, अपना फोटो लिया जाता है, अपना एक ऐसा पहचान पत्र लिया जाता है जिसमें अपनी जन्म डेट हो, नाम हो। लेकिन जो लोग ये फर्जी बनाते हैं वो लोग उस व्यक्ति से उसका फर्जी नाम पूछते हैं कि अपना फर्जी नाम क्या रखना चाहते हो, उसकी जगह और किसी का फोटो जो है वो चिपका दिया जाता है, हाथों की जगह पैरों के अंगुलियों के निशान जो है वो वहाँ लिए जाते हैं, आंखों की कठपुतलियों के निशान जहाँ आते हैं वहाँ पर उस मशीन को उल्टा करके आंखों की कठपुतलियों के निशान जो है वो उल्टे लिए जाते हैं, जिससे क्या है कि सरकार का जितना भी पोर्टल है उस पर ये पता नहीं चल पाए कि आखिर इस व्यक्ति ने जुर्म किया है या नहीं किया है। लेकिन जब उस मीडिया रिपोर्ट के स्टिंगर ने इस प्रकार का भंडाफोड़ किया उसके बाद से तमाम अधिकारियों के हाथ पांव जो है वो फूल गए हैं और वो अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही हुआ है। उस व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड जो है वो अप्लाई करवाया, फर्जी आधार कार्ड बनवाया और 3 दिन के भीतर सरकार की उस आधार कार्ड की वेबसाइट पर वो आधार कार्ड अपलोड भी हो गया। और उसके बाद जब ये खबर प्रकाशित हुई उसके बाद से तमाम महकमों में सरकार के हाथ पांव जो है वो फूल चुके हैं, क्योंकि आधार कार्ड जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र माना जाता है जिसके जरिए पैन कार्ड और तमाम बैंक के जो डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करके उससे लोन लिया जाता है, बैंक के खाते खुलवाए जाते हैं, और उसमें इस प्रकार का यदि फर्जीवाड़ा जो है वो हुआ है तो न जाने कितनी बैंक को चपत लगी है और कितने GST रिटर्न जो है वो नहीं भरे गए हैं। हालांकि ऐसे कई मामले जो है जालौर, गुजरात सहित अन्य जगह सामने आए हैं जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ। एक जालौर का मामला है जिसमें 1.5 करोड़ का जो है रिटर्न जो है वो नहीं भरा गया और जब GST के अधिकारियों ने तफ्तीश की तो आदमी ही पता ही नहीं चला कि कहाँ गया, क्योंकि वो जो आधार कार्ड, वो डॉक्यूमेंट जो थे वो फर्जी थे। अब जब ये खबर प्रकाशित हुई उसके बाद से ही लगातार तमाम एजेंसियां और महकमे जो है वो इस बात में जुट चुके हैं कि आखिर ये इस प्रकार से कितने आधार कार्ड फर्जी बने हैं, कितने बैंकों में खाते जो हैं वो फर्जी खुले हैं और कितने लोन जो है वो उठ चुके हैं। हालांकि सरकार को और बैंकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लाखों रुपये का चूना जो है वो यहाँ पर फर्जी एक आधार कार्ड के जरिए लगाया जा रहा है। एक आधार कार्ड जिसे हम यदि लीगली तौर पर बनाते हैं तो उसके पीछे उस सेंटर वाले को 20 से 25 रुपये मिलते हैं, लेकिन जब वो फर्जी आधार कार्ड बनाता है तो उसी आधार कार्ड के वो 25,000 रुपये लेता है। और ऐसा ही मामला जो है एक जालौर में सामने आया है जहां पर 25,000 रुपये लेकर उसने फर्जी आधार कार्ड बनाया और वो आधार कार्ड 3 दिन के भीतर उस पोर्टल पर अपलोड हो गया और उस व्यक्ति ने निकाल भी दिया। और उस मीडिया में उसमें बताया कि ये फर्जी आधार कार्ड जब उसने वो बनाने गया तब उसने वो पहचान मांगी कि वो किसके जरिए यहाँ पहुँचा है, उसने किसी व्यक्ति का नाम बताया, उसने उसे 30 मिनट तक बिठाया और उसका फर्जी आधार कार्ड जो है वो अप्लाई कर दिया। फर्जी आधार कार्ड अप्लाई होने के बाद 3 दिन बाद उसके आधार कार्ड हाथ आ गया, लेकिन उस सेंटर वाले ने एक डिमांड ये की कि आप इसे फर्जी लोन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, GST में घोटाला करना है तो उसके लिए आप यूज़ ले सकते हैं, लेकिन आप तस्करी नहीं करेंगे, क्योंकि उन सेंटर वालों को ये डर है कि यदि इन लोगों ने तस्करी करते वक्त ये डॉक्यूमेंट पकड़ा दिए तो पुलिस का हाथ जो है वो हमारे गिरेबान तक पहुँच जाएंगे। हालांकि पुलिस का हाथ तो उनके गिरेबान तक पहुँचेगा ही, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। और बात करें बाड़मेर, जालौर और सांचौर की, तो ऐसे तमाम फर्जीवाड़े जो है वो सामने आए,
चाहे महानरेगा घोटाला हो, चाहे 100 दिन का रोजगार योजना हो या अन्य ऐसे कई सरकार की योजनाएं, उनमें कई घोटाले सामने आए। हालांकि कईयों में जांच भी हुई है, लेकिन कईयों में जांच जो है वो रुकी हुई भी है। अब देखते हैं कि इस फर्जी आधार कार्ड में किस प्रकार से महकमा जो है वो जांच करता है और उन फर्जी आधार कार्ड बनाने वालों तक पुलिस पहुंचती है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाती है।